good morning everyone welcome to my channel max classes students in this video we will solve three questions from the exercise 3e from rs agrawal book class 10th okay our question number 16 from the exercise 3e is this a two digit number is such that the product of its digit is 35 okay डिजिट्स दिज, पे बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने हमारे लास्ट टू वीडियोज़ में सॉल्व किए थे पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स में मैंने डिजिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन ही अपलोड किए हैं तो यदि आप मेरे आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स देखें तभी आपको पार्ट सेवन अच्छे से समझ में आएगा ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में मैं क्या दिया हुआ है कि हमारे पास में एक टू डिजिट नंबर है ओके okay? और टू डिज़िट नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट कितना है थर्टी फाइव ओके तो सबसे तो पहले हम बोल देते हैं कि सपोज़ तो हमारा जो वंस डिजिट है वो एक्स है और जो हमारी टेंथ डिजिट है ओके टेंथ प्लेस पे जो डिज़िट है वो कौन सी है वाई है ओके टू डिजिट नंबर है तो उसमें एक वंस डिजिट वंस प्लेस पर डिजिट होगी एक टेंथ प्लेस पर डिजिट होगी तो हमने वंस प्लेस पर डिजिट है उसे एक्स बोल लिया है और जो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है उसे हमने वाई बोला है ओके okay? अब हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज़ थर्टी फाइव दैट मीन्स एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन कितना है थर्टी फाइव तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन आई है ओके okay? लेकिन इस इक्वेशन जब भी हमें स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो जनरली हमारे पास में जो इक्वेशन होती है वो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होनी चाहिए तभी हम उन इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे ओके और यहाँ पर क्या है यहाँ पर तो प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स दिया है तो हमें क्या करना है कहीं कही ना कहीं इस इक्वेशन का इस डेटा का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओके सो so हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिएगा आगे अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे रीड करते हैं अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर ओके अब नंबर बोल रहे हैं कि हम यदि उस नंबर में एटीन को ऐड करें द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस डिजिट्स क्या कर रही है अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर रही है सो so, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें नंबर बनाना होगा कि हमारे पास में जो वंथ डिजिट है और जो टेंस डिजिट है उससे हमारे पास में कौन सा नंबर बन रहा है ओके सो देन नंबर उस नंबर को मैं बोलती हूँ गीवन नंबर या फिर ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हो आप दैन गीवन नंबर विल बी ओके गिवन नंबर विल बी किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स गिवन नंबर कि जो टेंस डिजिट है उसमें हम टेन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और जो वंस डिजिट है उसमें हम वन का मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को ऐड कर देते हैं ये मैं अपने पार्ट फाइव वीडियो में बता चुकी हूं ओके सो अब हमें इसका नंबर बनाना तो किस तरीके से नंबर बनेगा टेंस डिजिट में टेन का मल्टीप्लीकेशन किया दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये टेन वाई और वंस में हम क्या करेंगे वन का मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को ऐड कर देंगे दैट मीन्स टेन वाई प्लस एक्स हमारे पास में क्या होगा नंबर होगा ओके okay? अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अगेन हम रीड करते हैं क्वेश्चन बोल रहा है इफ एटीन इज एडेड टू द नंबर ओके इफ एटीन इज एडेड टू द नंबर दैट मीन्स हमारा जो नंबर था टेन वाई प्लस एक्स इसमें यदि हम एटीन को ऐड कर देते हैं okay? ओके तो नंबर क्या हो रहा है डिजिट्स क्या हो जा रही है इंटरचेंज हो जा रही है ओके okay? डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस दैट मीन्स जो वंस है अब टेंस डिजिट बन जाएगी और जो टेंथ डिजिट नंबर था वो वंस डिजिट बन जाएगा ओके तो सपोज स्टूडेंट्स अगर इंटरचेंज करने के बाद में ओके आफ्टर इंटरचेंज अब आपका वंस डिजिट कौन सी होगी वंस डिजिट आपकी हो गई वाई और जो आपकी टेंथ डिजिट थी वो कौन सी हो गई एक्स हो गई ओके देन नंबर किस तरीके से बनेगा नंबर हम बनाएंगे टेंथ में टेन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और वंस में वन का मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स टेन एक्स हो जाएगा ये क्योंकि इसमें हमने टेंथ में टेन का मल्टीप्लीकेशन किया और वंस में वन का मल्टीप्लीकेशन डेट मीनस से वाई हो जाएगा तो ये नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग ओके नंबर इंटरचेंज करने के बाद में को कौन सा नंबर मिलेगा टेन एक्स प्लस वाई मिलेगा ओके okay? तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है सेकेंड सेंटेंस को आप अगेन रीड करें इफ़ एटीन इज एडेड टू द नंबर कौन सा नंबर जो गीवन नंबर था जो पुराना नंबर था ओके दिस नंबर टेन वाई प्लस एक्स उसमें हमने यदि एटीन को ऐड कर दिया तो डिजिट्स क्या कर रही है इंटरचेंजेस देअर प्लेसेज ओके दैट मीन्स ये जो नंबर है वो कौन सा हो जाएगा डिजिट्स इंटरचेंज के बाद वाले नंबर के बराबर हो जाएगा ओके सो यहाँ से हमारे पास में क्या होगी एक इक्वेशन मिलेगी ओके okay? टेन 10, इस टेन वाई में से हमने ये वाई को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा ये नाइन वाई हो जाएगा माइनस इस एक्स में से यदि हम इस टेन एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का नाइन एक्स और ये एटीन इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में चले जाएगा माइनस का एटीन हो जाएगा ओके okay? यदि स्टूडेंट्स हम क्या करें इस इक्वेशन को नाइन से डिवाइड कर दें ओके नाइन से यदि हम डिवाइड कर दें तो किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगी नाइन वन जर नाइन तो ये वाई हो जाएगा नाइन वन जो नाइन एक्स हो जाएगा एंड नाइन टू सा एटीन माइनस का टू ओके okay, तो हमारे पास में ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आ गई कि वाई माइनस टू इज इक्व टू हाउ मच माइनस टू अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि एक्स वाई जो कि डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन था वो कितना था थर्टी फाइव था ओके okay, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकेंड इक्वेशन हमने अभी निकाली कौन सी निकाली वाई माइनस एक्स इज टू माइनस का टू ओके वाई माइनस एक्स इज टू माइनस टू तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम इसमें एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ओके सो so, हमें समहाउ इक्वेशन नंबर वन का यूज करके एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है जिससे कि हम इक्वेशन को एलिमिनेशन या फिर सब्सटीट्यूशन मैथड से सॉल्व कर पाएँ ओके तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ओके फॉर्मूला याद रखना है या फिर आपको जैसे कि पता है कि अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे ओके तो हमारे पास में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स या फिर हम क्या करें इसको सब करते हैं काम करते हैं इसको सब किया तो कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ओके okay, इसको सब करके देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रही है इसे आपको ध्यान में रखना है ओके okay? स्टूडेंट्स ये एक तरीके का फॉर्मूला होता है जो कि आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं पॉलिनोम uh, चैप्टर में ओके okay? तो यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो कितना मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई मिलेगा ओके okay? किसको सॉल्व किया एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो ये मिला हमारे पास में माइनस का साइन ओके अब ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेकिन आगे नेगेटिव साइन के कारण क्या हो जाएगा सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर लेकिन अब प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए लेकिन इस नेगेटिव साइन के कारण ब्रैकेट के आगे माइनस साइन के कारण तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई हो जाएगा ओके तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया तो ये माइनस टू एक्स वाई और ये माइनस टू एक्स वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओके तो कितना मिलेगा आपको माइनस का फोर एक्स वाई टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई दैट मीन्स फोर एक्स वाई ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मैं कि okay, मैं आपको बता रही हूं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपका माइनस का फोर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई फॉर्मूला होता है ओके okay? इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे ओके किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है इसको यहाँ पे एज इट इज रहने दिया और माइनस के फोर एक्स वाई को इस तरफ ले जाके हमने बोल दिया कि प्लस का फोर एक्स वाई ओके माइनस का था इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा और जो ये नेगेटिव में x माइनस एक्स प्लस वाई था इस तरफ जाके पॉजिटिव में चले जाएगा तो कितना आ गया आपके पास में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे एक्स माइनस वाई का वैल्यू रख देंगे और एक्स वाई का वैल्यू पुट अप कर देंगे ओके जो कि हमें पता है इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से ओके एक्स माइनस वाई का फॉर्म वैल्यू क्या है एक्स माइनस वाई ओके इक्वेशन नंबर टू से यदि हम एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा टू आएगा ओके इक्वेशन नंबर टू को यदि आप यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखें ओके okay? तो ये यहाँ पे y माइनस एक्स था तो लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे माइनस का टू जो नेगेटिव साइन है यदि हम इस तरफ दे दें ओके okay? तो यहाँ पे जो y था वो नेगेटिव हो जाएगा उनके साइन चेंज हो जाएंगे y जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो x नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा दैट मीन्स कैसा हो जाएगा ये x माइनस का वाई जिक्वल्स टू हाउ मच टू हो जाएगा ओके okay. क्या किया हमने नेगेटिव साइन को इस तरफ दे दिया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे y और x के तो y जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया यहाँ पे और जो x पॉजिटिव था वो यहाँ पे नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया तो x माइनस वाई का स्टूडेंट्स वैल्यू कितना है टू और एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू कितना है थर्टी फाइव तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं पुट करते हैं ओके okay, तो कैसे पुट करेंगे x माइनस वाई का वैल्यू था टू टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर ओके प्लस यहाँ पे फोर इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना था थर्टी फाइव था इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे x प्लस वाई का होली स्क्वायर ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये फोर प्लस और थर्टी फाइव इंटू फोर कितना हो जाएगा फाइव फोर 20 ट्वेंटी जीरो और टू कैरी में गया वन फॉर्टी ओके वन फोर्टी आया इक्वल्स टू तो यहाँ पे कितना चल रहा था स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स वन फोर्टी फोर इजिक्वस टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आया अंडर रोड वन फोर्टी फोर अंडर रोड वन फोर्टी फोर की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस ट्वेल्व आएगी लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि एक्स और वाई आपका नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ से हमारे पास में एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स ट्वेल्व आ गया ओके okay, तो अब हमारी जो इक्वेशन नंबर टू थी इक्वेशन नंबर टू क्या थी आपकी y माइनस एक्स इजिक्वस टू माइनस का टू या फिर x माइनस वाई इजिक्वस टू टू था ओके okay, x माइनस वाई इजिक्वस टू टू था आपके पास में ओके okay, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से करेंगे दोनों को हम ऐड करेंगे ओके okay, किस तरीके से करेंगे मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ एक्स प्लस वाई इज टू ट्वेल्व एंड एक्स माइनस वाई टू टू दोनों को ऐड किया वाई वाई गेट कैंसल आउट एक्स प्लस एक्स टू एक्स एंड ट्वेल्व प्लस टू कितना हो जाएगा फोर्टीन सो एक्स इज इक्वल टू टू सेवन जोटीन तो एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पे सेवन ओके नाउ स्टूडेंट्स हमें वाई का वैल्यू निकालना है तो इस इक्वेशन से हम वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं so, तो वाई कितना हो जाएगा आपका ट्वेल्व माइनस सेवन दैट मीन्स फाइव ओके तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया फाइव आ गया स्टूडेंट्स ओके okay. तो यहाँ से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन को यदि हम रीड करें तो हमें क्या बोला है फाइंड द नंबर बोला है नंबर फाइंड आउट करने का बोला है तो नंबर हमारा कौन सा था गीवन नंबर हम नंबर जब भी निकालते हैं वो गीवन नंबर से निकालते हैं तो गीवन नंबर कितना था टेन वाई प्लस एक्स था तो ये वाला जो एक्स और वाई का वैल्यू है उसे हम कहाँ पर रखेंगे टेन वाई प्लस एक्स में तो ये क्या देगा आपको नंबर देगा नंबर वाई तो का वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी हो जाएगा टेन इंटू फाइव फिफ्टी प्लस एक्स दैट मीन्स सेवन तो ये आपका नंबर हो जाएगा सो रिक्वायर्ड नंबर विल बी फिफ्टी सेवन ओके सो स्टूडेंट्स फिफ्टी सेवन विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ओके नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑफ द सेम फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज थ्री ई सेम ओके सो इट्स योर होमवर्क आप उसे ट्राई करके देखें यदि स्टिल आपको उसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ओके सेम क्वेश्चन है बस उसमें डिजिट्स इंटरचेंज करके दी हुई है आ, आ, तो आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें ओके नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन ओके एटीन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑप्टेंड बाई रिवर्सिंग दर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज वन ट्वेंटी वन ओके क्या दिया हुआ है hey स्टूडेंट्स हमें कि हमें एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद में दिया हुआ है उन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो एडिशन होगा वो कितना होगा वन ट्वेंटी वन ओके दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें वंस और टेंथ डिजिट मानना पड़ेगा सपोज हमने बोल दिया कि वंस डिजिट है आपकी एक्स और जो आपकी टेंस डिजिट है वो क्या है वाई ओके टेंस डिजिट है आपकी वाई तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे नंबर बनाएंगे इसे देन नंबर विल बी नंबर किस तरीके से बनाते हैं में टेन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं प्लस वंस में वन का मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स हमारे पास में नंबर ही आ गया ओके okay, अब ये स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑप्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ओके दैट मीन्स हमें डिजिट्स को अब रिवर्स करना है ओके तो डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद में रिवर्स करने के बाद में ओके okay, रिवर्स कर रही तो अब आपका जो वंस से वो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा और जो आपका टेंस से टेंस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स हमने इंटरचेंज कर दी वंस अब हमारा वाई हो गया और टेंस हमारा एक्स हो गया तो अब नंबर देन न्यू नंबर बोल देते हैं ओके न्यू नंबर विल बी टेन्स में टेन का मल्टीप्लीकेशन तो टेन एक्स प्लस वन में वन का मल्टीप्लीकेशन डैट मीन्स टेन एक्स प्लस वाई ओके तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ये नंबर और ये वाला जो नंबर है इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास में कितना मिल रहा है वन ट्वेंटी वन ओके That means tan y plus x प्लस टेन एक्स प्लस वाई इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिला 121 ट्वेंटी वन ओके तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन मिलेगी तो टेन वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा इलेवन वाई और टेन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा इलेवन एक्स इज इक्व टू वन ट्वेंटी वन तो यहाँ से हमारे पास में y प्लस एक्स इज इक्व टू कितना हो जाएगा इलेवन से जब हम डिवाइड करेंगे तो इलेवन तो यहाँ से हमारे पास में एक फर्स्ट इक्वेशन आएगी ओके नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेसन के लिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं एंड टू डिजिट इज डिफर बाई थ्री दो डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है थ्री है ओके okay? तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज जो हमारा वंस प्लेस के डिजिट है वो टेंस वाले से बड़ी है ओके सो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स थ्री आ जाएगा सो स्टूडेंट्स आर सेकेंड इक्वेसन विल बी दिस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू थ्री विच वी हैव गॉड फ्राम द सेकेंड सेंटेंस ओके द टू डिजिट डिफर बाई थ्री और यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि जो हमारा वंथ डिजिट है वो टेंथ डिजिट से बड़ा है ओके okay? तभी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा थ्री होगा ओके okay? हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब ट्रैक्ट करते हैं इसलिए हमने ऐसा ज्यूम कर लिया है ओके सो एक्स माइनस वाई इज इक्व टू थ्री दिस विल बी आर सेकेंड इक्वेशन ओके और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी एक्स प्लस वाई इज इक्व टू इलेवन था x प्लस वाई इज इक्व टू इलेवन ओके इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में कितना मिलेगा टू एक्स इज इक्व टू फोर्टीन टू एक्स इज इक्व टू फोर्टीन तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट सेवन आ गया ओके नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे Y का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्व टू कितना था थ्री था x माइनस वाई इज इक्व टू थ्री तो यहाँ से हमने क्या किया x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू था सेवन सेवन माइनस वाई इज इक्वल टू कितना थ्री तो y को इस तरफ भेज दिया और सेवन में से थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया सेवन माइनस थ्री इज इक्व टू वाई तो y इज इक्व टू कितना जाएगा? Students, 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स फोर आ जाएगा ओके y विल भी फोर सो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में नंबर फॉर्म करना है फाइंड द नंबर नंबर बनाना है ओके okay, नंबर हम कौन सा नहीं हैं जनरली गीवन नंबर से बनाते हैं ओके जो गिवन नंबर था नंबर जो ओरिजिनल नंबर होता है स्टार्टिंग वाला नंबर तो और स्टार्टिंग वाला नंबर कितना था टेन वाई प्लस एक्स था ओके तो देन नंबर विल बी नंबर विल बी टेन वाई प्लस एक्स ओके टेन वाई प्लस एक्स था जो तो वाई कितना था स्टूडेंट हमारा फोर था ओके एंड एक्स सेवन था तो कितना हो जाएगा ये फोर्टी टेन इंटू फोर फोर्टी और एक्स सेवन था आपका तो फोर्टी सेवन विल बी योर आंसर ओके ये आपका फाइनल आंसर होगा नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ओके थ्री ई एक्सरसाइज से ही लिया गया है क्वेश्चन ओके आर एस अग्रवाल बुक से द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज एट ओके आपको अब आप फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम्स मिल रही हैं ओके okay? तो आपने सबको आपको क्या दिया है न्यूमरेटर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर दिया हुआ है ओके okay? फ्रैक्शन का जनरली अगर हम एक्स बाय वाई लिखते हैं किसी फ्रैक्शन को तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यू और जो नीचे वाला जो नंबर होता है उससे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं ओके तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज एट तो सपोज हमने न्यूमरेटर बोल दिया कि एक्स है और डिनोमिनेटर बोल दिया हमने सपोज वाई लेट द न्यूमरेटर बी एक्स डिनोमिनेटर बी वाई देन फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज एट दैट मीन्स एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया एट आ गया दिस आर इक्वेशन नंबर वन ओके एंड इफ थ्री इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड अ द फ्रैक्शन बिकम्स थ्री बाय फोर ओके दैट मीन्स यदि हमने न्यूमरेटर में भी थ्री एड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी यदि हमने थ्री एड कर दिया तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा थ्री बाय फोर के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन निकल कर आएगी ओके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं कितना तो हो जाएगा यह हो जाएगा फोर एक्स फोर में एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया फोर में थ्री का मल्टीप्लीकेशन फोर थ्री जो ट्वेल्व थ्री मिलेगी थ्री से मल्टीप्लीकेशन करेंगे थ्री वाई एंड नाइन थ्री थ्री जन नाइन तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स फोर एक्स माइनस का थ्री वाई और ये नाइन माइनस में ट्वेल्व कितना हो जाएगा ये फोर एक्स माइनस में थ्री वाई इज इक्वल टू कितना माइनस का थ्री यहाँ से हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी ओके तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट x प्लस वाई इज इक्व टू एट और सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास में फोर एक्स माइनस में थ्री वाई इज इक्व टू माइनस का थ्री ओके okay. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन जो कॉफिशियंट्स है उसको इक्वल करना है यहाँ पे वाई का कोफिशियंट वन है और यहाँ पे वाई का कोफिशियन थ्री है तो कॉफिशियंट को सेम करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें किस तरीके equation 3 से इक्वेशन मिलेगी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इजिक्वस टू एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर ओके और ये दूसरी इक्वेशन थी से आपके पास में फोर एक्स माइनस में थ्री वाई इजिकोस टू माइनस का थ्री जब ये आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे फोर एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो जाएगा सेवन एक्स और ट्वेंटी फोर में से थ्री सब करेंगे तो ट्वेंटी वन तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन ओके एक्स का वैल्यू थ्री आ गया अब वाई का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे हमारे पास में था एक्स प्लस वाई टू एट था तो एक्स कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास में थ्री था तो वाई इजिक्वल्स टू कितना हो जाएगा एट माइनस थ्री एक्स का वैल्यू पुट अप करने पे तो वाई कितना मिल जाएगा फाइव ओके okay, तो हमें क्या बताना है फ्रैक्शन बताना है तो हमारा जो फ्रैक्शन था स्टूडेंट्स जो फ्रैक्शन था वो कितना था एक्स बाय वाई था न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन एक्स का वैल्यू कितना निकाला था हमने थ्री सो थ्री एंड अपॉन में डिनोमिनेटर y y कितना था फाइव तो थ्री बाई फाइव तो थ्री बाई फाइव विल बी योर फाइनल आंसर ओके स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू वेरी मच